आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ महंगाई को लेकर के अब काफ़ी कुछ बातें की गई है। मैं जरूर चाहूँगा कि देश के सामने कुछ सच्चाई आनी चाहिए। इतिहास गवाह है, जब भी कांग्रेस आती है महंगाई लाती है। मैं कुछ वक्तव्य इस सदन में आज कहना चाहता हूं और किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि हमारी बात जो समझ नहीं पाते हैं वो अपने लोगों की बात को समझने का प्रयास करेंगे। कहा गया था कभी, और किसने कहा था वो मैं बाद में कहूंगा, हर चीज की कीमत बढ़ जाने की वजह से मुसीबत फैली है, आम जनता उनमें फंसी है। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट किसका है? ये कहा था हमारे पंडित नेहरू जी ने, लाल किले से कहा था उस समय। हर चीज की कीमत बढ़ जाने की वजह से मुसीबत फैली है, आम जनता उनमें फंसी है, ये उस समय की बात है। उन्होंने माना था लाल किले से चारों तरफ महंगाई बढ़ी है। अब इस वक्तव्य के 10 साल के बाद, नेहरू जी के इस वक्तव्य के 10 साल के बाद एक और वक्त का कोट आपके सामने रखता हूं। आप लोग, मैं कोट बता रहा हूं, आप लोग आजकल भी कुछ दिक्कतों में हैं, परेशानियों में हैं, महंगाई की वजह से। कुछ तो लाचारी है, पूरी तौर से काबू की बात नहीं हो पा रही हमारे इस समय में, हालांकि वो काबू में आएगी। 10 साल के बाद भी महंगाई के यही गीत कहे गए थे, और ये किसने कहा था? फिर से ये नेहरू जी ने कहा था उन्हीं के कार्यकाल में। तब देश का पीएम रहते उन्होंने 12 साल हो चुके थे, लेकिन हर बार महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है, महंगाई के कारण आपको मुसीबत हो रही है, इसी के गीत गाते रहे थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब मैं एक और भाषण का हिस्सा पढ़ रहा हूं। जब देश आगे बढ़ता है तो कुछ हद तक कीमतें भी बढ़ती हैं। हमको ये भी देखना है कि जो भी आवश्यक वस्तु है उनकी कीमत को कैसे थामे। ये किसने कहा था? इंदिरा गांधी जी ने कहा था 1974 में, जब देश में सारे उन्होंने दरवाजे ताले लगा दिए थे, लोगों को जेल में बंद कर दिया था। 30% महंगाई थी, 30%। आदरणीय अध्यक्ष जी, अपने भाषण में यहां तक कहा गया था, क्या कहा था आप चौंक जाएंगे? उन्होंने कहा था अगर जमीन न हो, यानी कुछ पैदावार के लिए जमीन न हो, तो अपने गमले और कनस्तर में सब्जी उगा लें। ये ऐसी सलाहें उच्च पद पर बैठे हुए दिया करते थे। जब देश में महंगाई को लेकर के दो गाने सुपरहिट हुए थे हमारे देश में, घर घर गाए जाते थे, एक महंगाई मार गई और दूसरा महंगाई डायन खाए जा, डायन खाए जा था। और ये दोनों गाने कांग्रेस के शासनकाल में आए। आदरणीय अध्यक्ष जी, यूपीए के शासनकाल में महंगाई डबल डिजिट में थी, डबल डिजिट में महंगाई थी, इसको नकार नहीं सकते हैं। और यूपी का सरकार का तर्क क्या था जी? असंवेदनशीलता। ये कहा गया था कि महंगी आइसक्रीम खा सकते हो तो महंगाई का रोना क्यों रो रहे हो, ये कहा गया था, ये कहा गया था। जब भी कांग्रेस आई है उसने महंगाई को ही मजबूत किया। आदरणीय अध्यक्ष जी,
हमारी सरकार ने महंगाई को लगातार नियंत्रण में रखा है। दो दो युद्ध के बावजूद और 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बावजूद महंगाई नियंत्रण में है और हम कर पाए हैं।